हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। सो रिसेंटली आरबीआई ने 34 एप्लीकेशंस को एक तरीके से अलर्ट लिस्ट में डाल दिया, एक तरीके से बैन कर दिया, और उसके बाद से ही लोगों के मन में सवाल आने लग गए कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल। दूसरा क्वेश्चन ये कि कोई अगर व्यक्ति फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो क्या उसे जेल हो सकती है। तीसरा सवाल ये कि स्टॉक एक्सचेंज में भी तो लोग स्पेकुलेशंस करते हैं, शेयर्स के प्राइसेस को लेकर के अप एंड डाउन का प्रेडिक्शन करते हैं, तो वहाँ वो चीज़ सही कैसे हो जाती है, और कुछ इसी तरीके का चीज हम जब फॉरेक्स के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो ये चीज गलत कैसे हो जाती है। एंड फोर्थ होगा, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज शेयर किए, अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बीजेपी पार्टी ही ऐसी है, ये जानबूझ कर ऐसा करती है कि लोग पैसे ना कमाएं, तो ये भी समझेंगे कि क्या ये सच में बीजेपी की इंटेंशन है या कुछ और रीजन है। इन तमाम चीजों को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम अहमद, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, सो मेरी कोशिश होगी कि यहां मैं जो चीज बताऊं वो लॉ के टर्म्स में बताऊं कि लॉ क्या कहता है, नियम कानून क्या कहते हैं। अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, आप पिछले कई सालों से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैं जो यहां बता रहा हूं वो चीज होगी कि लॉ क्या मानता है। अब आपको लॉ के अकॉर्डिंग करनी है नहीं करनी, इट्स ऑल योर डिस्क्रिप्शन, सिर्फ ये आपकी सोच है, आपकी मर्जी है। आपके इस वीडियो से जुड़े कोई क्वेश्चन क्वेरी कंसर्न हो तो डू आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन, वी प्रॉमिस कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। इनफैक्ट लॉ, टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, our team will help you, okay? So, पहला सवाल कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है? आंसर इज नो, ये इलीगल तो नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं बशर्ते कि आप वो कंडीशंस मीट करें जो गवर्नमेंट ने बता रखा है। दो कंडीशंस मोटे मोटे गवर्नमेंट ने जो मेंशन किए हैं वो ये कि पहला कंडीशन ये कि आप ऑथराइज डीलर या ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड करें। अगर आप अनऑथराइज डीलर के थ्रू ट्रेड करते हैं या ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आप गवर्नमेंट की कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं, और ये 34 जो गवर्नमेंट ने लिस्ट मेंशन करी है ये गवर्नमेंट इनको ऑथराइज या रिकग्नाइज नहीं करती है, तो आपकी पहली कंडीशन ही ब्रेक हो जाती है। दूसरा कंडीशन है कि आप सेलेक्टेड 7 करेंसी पेयर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। 7 करेंसी पेयर कौन है? INR USD, INR GBP, INR Euro, INR JPY। दूसरा है क्रॉस करेंसी के 3 पेयर्स जिसमें USD कॉमन करेंसी है, तो USD GBP, USD Euro और USD JPY, इन 7 करेंसीज के अलावा किसी और करेंसी में आप ट्रेड करते हैं देन अगेन इट्स इलीगल। अब क्वेश्चन ये आएगा, पहला सवाल कि इंडिया में ऑथराइज डीलर कौन सी है, उनके तो आपने बहुत सारे केसेस में एड्स भी नहीं देखे होंगे, हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि ऑथराइज डीलर कौन से हैं। यस, ऑथराइज डीलर हैं और बहुत बड़े ब्रांड भी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, हो सकता है फॉरेन करेंसी को लेकर के किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना देखा हो। अब मैं आपको 3 बड़े ब्रोकर्स के नाम बता दूंगा, हालांकि ये वीडियो किसी तरीके स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप चाहें तो इनमें अकाउंट खोलें चाहें तो ना खोलें, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है, आप अपनी मर्जी से जहां से मन करे वहां से अकाउंट ओपन करें। ओके, सो 3 बड़े ब्रोकर जिनका संभवतः आपने नाम सुना हो, उनमें से एक है ज़ेरोधा, दूसरा है शेयर खान और तीसरा है एंजल ब्रोकिंग। लेकिन इन 3 के अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं, और आप कैसे चेक करें कि कोई ब्रोकर ऑथराइज्ड है या नहीं है, इस चीज़ के लिए आप वीडियो के लास्ट हिस्से में ज़रूर देखें। जस्ट 30 सेकंड्स में आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने ब्रोकर को चेक कर सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं। बेसिकली सेबी के वेबसाइट पे एक सेक्शन है, वहाँ जाकर के आप अपने ब्रोकर को सर्च कर सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं, और अगर ऑथराइज नहीं है तो अगेन आप मान लीजिए कि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप कब पकड़े जाएंगे, कब नहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे भी या नहीं पकड़े जाएंगे, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, मायने नहीं रखती है। जो मायने रखता है वो ये कि क्या आप लॉ के दायरे में रह के ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको दूसरे तरीके से, दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, आसान एग्जांपल से, तो ये एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ अगर आपने देखा हो और उसी के संदर्भ में ये एग्जांपल है, तो मेरा सवाल है कि क्या इंडिया में गन्स बुलेट्स की सेल परचेज़ लीगल है या इलीगल? आंसर इज लीगल है, यस, आप ऑथराइज डीलर से गन्स बुलेट्स खरीद सकते हैं, आपके पास अगर लाइसेंस है और अगर आपका डीलर ऑथराइज है तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर वाले केस में क्या कालीन भैया जो गन्स बेचा करते थे क्या वो ऑथराइज डीलर थे? नहीं। सो ऑथराइज डीलर के अलावा किसी और डीलर से आप अगर किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इलीगल है। अब कानून इसे कब पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन प्राइमरी बात वो ये है कि कानून के नज़रों में वो चीज़ गलत है। ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि आपका डीलर कितना अच्छा था, वो कितने सालों से प्रॉफिट करा रहा था, दुनिया में कौन कौन से देश उसको रिकग्नाइज करते हैं। मेन बात यह है कि क्या आपका देश इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है देन इट्स इलीगल। अब ये आपका गुड लक हो सकता है कि आप कई सालों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल अभी आप तक किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ना आया हो,
आई होप कि आगे भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप फॉरेक्स के रिगार्ड में जो कंडीशंस बताई हैं, इनके इतर जाकर के, इनसे अलग जाकर के ट्रेड करते हैं, तो यस, आपको जेल भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार स्टॉक एक्सचेंज में भी स्पेकुलेशंस होती है, वहाँ भी शेयर्स के बारे में प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं कि शेयर्स अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, वो चीज़ सही कैसे हो जाती है और फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के इतने स्ट्रिंजेंट, इतने कठोर कानून क्यों बनाए गए? तो इसका आंसर ये है कि किसी भी देश के लिए फॉरेन रिजर्व का होना उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इंडिया में या बाकी दूसरे देशों में भी ऐसा होता है, बहुत सारे कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचा करके चलते हैं। जब भी आप किसी अनऑथराइज्ड डीलर से ट्रेड करते हैं तो इस चीज की संभावना बनी रहती है कि देश से फॉरेन रिजर्व यानी यूएसडी बाहर जाएगा और गवर्नमेंट के पास इसकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज प्लान्स को ठीक से नहीं बना पाएगी। इसके उलट अगर आप ट्रेड करते हैं और उन लोगों के साथ में ट्रेड करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो गवर्नमेंट के पास एक रेडी डेटा होता है एट एनी टाइम और उन्हें इस चीज का पता होता है कि देश में कितने फॉरेन रिजर्व्स हैं और फिर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग बनाती है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप ट्रेड तो कर सकते हैं बट आप ऑथराइज डीलर के थ्रू ही करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज में आप INR में ट्रेड करते हैं, आप उन कंपनीज के शेयर में ट्रेड करते हैं जो इंडिया में लिस्टेड होते हैं और आप इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन में रह करके ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स का आउटफ्लो का चांस नहीं होता है। इसलिए इस तरीके के स्ट्रिंजेंट या कठोर कानून स्टॉक एक्सचेंजेस के रिगार्ड में नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, जहां लोगों ने लास्ट वीडियो को लेकर के क्वेश्चन कंसर्न और अपने रिस्पॉन्सेज दिए। कुछ लोगों ने जैसा बताया कि बीजेपी पार्टी ही ऐसी है, ये ऐसा ही चाहती है कि लोग पैसे ना कमाएं। सो बॉस, ये जो रूल फेमा है ये 1999 में लाया गया था जब बीजेपी गवर्नमेंट थी भी नहीं और उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये जो लॉ लेकर के आया था ये बिल्कुल फेयर इंटेंशन के साथ में लेकर के आया था। ये इंटेंशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन रिजर्व देश में बना रहे और यही वो कारण है कि इस एक्ट को लेकर के आया गया था। सो इसमें पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना शायद ठीक नहीं है। हाँ, इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कठोर तरीके से शुरू से ही होता आना चाहिए था क्योंकि ये एप्लीकेशंस पिछले कई सालों से इंडिया में एक्टिव हैं, बहुत सारे क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर कर रही हैं और गवर्नमेंट इन चीज़ों को अगर अनदेखा कर रही है या इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही तो ज़रूर गवर्नमेंट की लैकिंग है। अगर गवर्नमेंट शुरू में ही इन चीज़ों को कंट्रोल करती तो शायद इतने लोग इन ऐप्स के थ्रू एसोसिएट नहीं होते, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शायद शुरू ना किया होता और अगर जो भी इन्वेस्टमेंट हुई होती तो वो ऑथराइज डीलर्स के थ्रू ही हुई होती। तो गवर्नमेंट के पार्ट पे इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो सकती है लेकिन ये लॉ बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। चलिए अगले 30 सेकंड में समझ लेते हैं कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि हमारा ब्रोकर सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है सेबी रजिस्टर्ड फॉरेक्स ब्रोकर, ये फर्स्ट वाला लिंक जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक का आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फर्दर ये जो नया पेज खुल रहा है इस पोर्टल पे, आपको जाकर के अपने ब्रोकर का नाम डालना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल डाल रहा हूँ ज़ीरोधा, लेट्स सी। मैंने क्लिक किया गो पे, इस पर क्लिक करने के साथ ही ज़ीरोधा एज अ ब्रोकर किन किन एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब इसी तरीके से हम किसी और दूसरे ब्रोकर को भी चेक कर सकते हैं, आप इनके अलावा किसी दूसरे ब्रोकर को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक्सनेस को भी चेक कर सकते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। क्लिक किया गो पे, अब देख सकते हैं इस नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इस नाम की कंपनी से भी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो बहुत आसान सा तरीका है आपको ये इंश्योर करने का कि आपका ब्रोकर सेबी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। सो आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया हो, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी कंसर्न हो तो डू आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन, वी प्रॉमिस कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।